अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शंकर पाली। सबसे पहले मैं थाले में आधा किलो मैदे का आटा डालूंगी। दो सौ ग्राम रवा, पिसी हुई शक्कर 250 ग्राम, पाव चम्मच खाने का सोडा। अभी हम आटा, रवा, शक्कर तीनों चीज़ को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसमें मैं डालूंगी 200 ml घी, ये गरम करी हूँ मैंने। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। घी अच्छे से आटे में मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसमें पानी डाल के आटा गूंद लूंगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही हम डालेंगे। थोड़ा पानी और मैं मिक्स करूंगी और आटा गूंदूंगी। आटे को हमें ज़्यादा नरम नहीं करना है। आटा गूंदकर हो चुका है। अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा तेल। तेल लगाकर मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है आटे को गूंदकर। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े हमें बड़े बड़े ही बनाना है। इस तरीके से हम पेड़े बनाएंगे। सारे पेड़े मैं इसी तरह बनाऊंगी। सारे पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। अभी हम इसके रोटी बेल लेंगे। रोटी हमें जाड़ी जाड़ी ही बेलना है। रोटी को हमें इतनी ही जाड़ी बेलना है। अभी चारों तरफ से ऐसे काट लेंगे। और इसे साइड में कर देंगे। अब इसे हम शंकर पाली का शेप देंगे। तो अभी मैं एक प्लेट में रख दूंगी। इसी तरह हमें सारे रोटी बेलकर कट कर लेना है। दूसरे पेड़े को भी हम इसी तरह बेल लेंगे। रोटी बेलकर हो चुकी है। अब हम इसे भी इसी तरह काटेंगे।
इसी तरह हम सारे पेड़े को बेलकर काट लेंगे। शंकरपाली बेलकर हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। शंकरपाली तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी शंकरपाली। हमें इसे धीमी आंच पे ही तलना है। चम्मच से अभी हमें इसे हिलाते ही रहना है ताकि चारों तरफ से लाल होए। शंकरपाली तलकर तैयार हो चुके हैं, अभी मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह हम सारे शंकरपाली को तल लेंगे। शंकरपाली तलकर हो चुकी है, अब इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। माशाल्लाह शंकरपाली बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखें कितने खस्ते बने हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना शंकरपाली कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।